जय भीम साथियों, जय भीम आर्मी साथियों, मेरे पेज के साथ छेड़खानी हो रही है, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि मेरे पेज को बार बार बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से मैं अपनी बात जो है आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। तो ये बड़ा मामला है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, जो कोई बात मुझे कहनी है मैं व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से आप तक पहुंचा देता हूं। तो आज लाइव आने का एक विशेष उद्देश्य था, आप साथ ही जुड़ जाइए। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत बुद्ध, सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव, जननायक कपूरी ठाकुर, बिरसा मुंडा, मानव और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माँ सावित्री बाई फूले, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, हमारे रहवर साहब काशीराम, मेरे आदर साहब काशीराम, शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, आप सब बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए, मेरे लाइव आने का एक उद्देश्य था और मैं चाहता था कि अपनी बात युवा साथियों तक, पूरे देश तक पहुंचा दूं। इस पेज के माध्यम से मेरी बात जो है आप लोगों तक पहुंच जाती है। धीरे धीरे साथी जुड़ने लग रहे हैं। मेरे लिए यही धर्म ग्रंथ है, यही सब कुछ है, मैं इसको ही, इसमें ही विश्वास रखता हूं, इसको ही मानता हूं, भारत का संविधान। इसी की वजह से हम करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का, शोषितों का, मजलूमों का वजूद है। इसी में ही हमें हक अधिकार मिले हैं, इस देश में सम्मान, स्वाभिमान, अधिकारों को प्राप्त करके जीने के। तो जैसा मैंने बताया कि लगातार पेज से छेड़खानी हो रही है, लेकिन जो मैसेज मुझे देना है वो जरूरी है, वो मैं आपको देना चाहता हूं। मैं ये भी चाहता हूं कि साथी जो हैं इसको खूब लाइव कर दें, खूब शेयर कर दें, जिससे कि मैसेज जो है एक दिन के भीतर जो है पूरे देश में सब लोगों, सब जगह पर पहुंचा है। हमारे जो साथी भी मान में से पूरे देश में जुड़े हुए हैं, सभी प्रदेश अध्यक्ष, सभी जिला अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी प्रभारी, ग्राम अध्यक्ष तक जो है ये मैसेज पहुंचा, ये बहुत जरूरी मैसेज है। आओ झुक के नमन करें, सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मकाम आता है, और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू मिशन के, कौम के, समाज के काम आता है। साथियों, लाइव आने का जो मुद्दा है वो है 2 अप्रैल। 31 मार्च 2018 ये समय होगा मैं लगभग जेल में बंद था, तनाई में, और 2 अप्रैल के आंदोलन को लेके जो है मैंने भी हजारों पत्र अपने साथियों के माध्यम से भेजे कि हमारे अधिकार छिन रहे हैं, हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, और अगर आप अन्याय, अत्याचार, जुल जाति के खिलाफ अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये लड़ाई कोई और लड़ेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, ये आपको लड़नी पड़ेगी। आपने बलिदान देके 2 अप्रैल में साबित किया कि आप जाग चुके, अपने अधिकारों को लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ना कोई नेता था, ना कोई पार्टी थी, सिर्फ बहुजन समाज के युवाओं का जोश था, बुजुर्गों का आशीर्वाद था, बहनों का प्यार था, माताओं का आशीर्वाद था, और लोगों ने, युवाओं ने बिना सोचे, बिना जाने, किसी चीज की तकलीफ ना किए, अपने प्राणों की आहुति दी, और तानाशाही सरकार को झुकना पड़ा, तानाशाही सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। इसलिए मैं मोदी के खिलाफ हूं। जो लोग जानना चाहते हैं कि क्यों मैं मोदी के खिलाफ हूं, क्यों मैं उसे रोकना चाहता हूं, क्यों मैं नहीं चाहता हूं संसद में जाए, ये पीड़ा मेरी है, क्योंकि मैंने अपने लोगों को खोया। मैं क्या लौटा सकता हूं उन परिवारों को। मैं आपको आज ये बताने के लिए लाइव आया कि 2 अप्रैल को भूलना नहीं है। 2 अप्रैल बहुजन संघर्ष दिवस भी है, बहुजन बलिदान दिवस भी है, बहुजन एकता दिवस भी है, आप कोई नाम दे दीजिए, लेकिन 2 अप्रैल वो तारीख है जो इतिहास में दर्ज हुई और बहुजन समाज ने भारत बंद करके दिखाया, बलिदान दिया। बलिदान तो हमने पहले भी दिया, हम रोज मरते हैं, रोज हमारे साथ एट्रोसिटी घटनाएं होती है, सब चीजें होती हैं, लेकिन फिर
2 अप्रैल को हमने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं ये बता देना चाहता हूं, हम रहे ना रहे ये देश रहे, हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं और हम इस देश को बचाना चाहते हैं उन सांप्रदायिक ताकतों के हाथों से जो इस देश को बर्बाद कर देना चाहती है। मैं बस इतना ही कहने के लिए आया कि 2 अप्रैल को भूलना नहीं है, कोई भी साथी 2 अप्रैल को घर ना रहे। जहां भी कोई प्रोग्राम हो मैं भी जाऊंगा, मुझे राजस्थान के साथियों ने जयपुर में याद किया, 2, 3, 4 तारीख को मैं जयपुर रहूंगा और 5 तारीख को मैं मध्य प्रदेश रहूंगा भिंड में, मेवा में जो प्रोग्राम लगाया गया है। मेरा एकमात्र उद्देश्य कि बहुजन समाज सशक्त हो, साहब काशीराम का सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन संपन्न हो, और इसके लिए अगर मेरे जैसे 1 नहीं 1,000 लोग भी कुर्बान होते हो तो मैं उसके लिए संकल्पित हूं, संविधान की शपथ लेता हूं, आप लोगों को भी लेनी चाहिए। लेकिन 2 अप्रैल कोई गांव, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई कस्बा, कोई शहर, कोई जिला, कोई प्रदेश ऐसा नहीं रहना चाहिए जिस दिन जहां हम अपने क्रांतिकारी शहीदों को नमन ना करें, उनको याद ना करें, चाहे वो पंजाब की धरती से हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की धरती, चाहे वो यूपी की धरती, चाहे राजस्थान की धरती से हो, जहां जहां हमारे साथियों ने बलिदान दिए हैं उस क्रांतिकारी धरती को नमन किया जाए। और मैं अपने भीम आर्मी के साथ चाहता हूं, पूरे देश के युवाओं से चाहता हूं कि वो कुछ भी करें, कहीं भी रहें, 2 अप्रैल के दिन तो पूरा एक ऐतिहासिक दिन है, अपनी ताकत का एहसास करें। जहां भी प्रोग्राम हो, दिल्ली में हो, राजस्थान में हो, कहीं अन्य जगहों पहुंचे, अपनी ताकत का एहसास कराएं। लेकिन शाम के समय जैसे सूरज ढल जाए और अंधियारा छाने लगे तो कैंडल मार जरूर निकालना, उन शहीदों को दीपक अर्पित जरूर करना, उन परिवारों का हौसला ना टूट जाए, क्योंकि एक भी परिवार ने चिल्ला के ये नहीं कहा कि मेरा समाज के लिए बेटा चला गया, मुझे समाज ने क्या दिया। आज भी लोग रासुका झेल रहे हैं, मेरे छोटे भाई मुजफ्फरनगर में रासुका झेल रहे हैं, लेकिन एक बार भी किसी परिवार ने ये नहीं कहा कि हमने समाज के लिए बलिदान किया, समाज ने हमें क्या दिया। सबने कहा मुस्कुरा के, जिनके बेटे भी चले गए, जिन्होंने अपने जवान बेटे जो है बलिदान कर दिया, उन्होंने कहा कि अगर मेरा दूसरा बेटा भी होता तो मैं समाज के नाम बलिदान कर देता, समाज के नाम बलिदान कर देती। ऐसी माए, ऐसे पिताओं से, ऐसी बहनों से मैं मिला जिन्होंने कहा कि भाई हमारे भाइयों का बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। तो मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं सब लोगों को, मेरे भाइयों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 2 अप्रैल मैंने कहा चाहे बहुजन संघर्ष दिवस मनाए, बहुजन एकता दिवस मनाए, बहुजन बलिदान दिवस मनाए, बहुजन शौर्य दिवस मनाए, लेकिन निकलिए घर से बाहर और एक भी गांव ऐसा ना हो जहां शहीदों को, हमारे जो बहुजन शहीद है उनको कैंडल मार्च ना किया जाए उनके लिए। जहां भी आपके बोध विहार हो, रविदास मंदिर हो, भगवान वाल्मीकि मंदिर हो, बाबा साहब का पार्क हो बाबा साहब के नाम से, कोई भी ऐसी जगह वहां इकट्ठे हुईगा, कैंडल मार्च कीजिएगा। और साथियों से कहते चाहता हूं इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कल तक ये पूरे देश में पहुंच जाए, भीम आर्मी के सारे पदाधिकारी, भीम आर्मी के सारे कार्यकर्ता, भीम आर्मी के सारे सैनिक, वो सब लोग कल ये जरूर करें। पूरे देश के उसके लोगों से मेरा निवेदन है, बहुजन समाज से मेरा निवेदन है कि अपनी इस दिन को, क्योंकि बाबा साहब ने कहा जो कौम इतिहास नहीं जानती वो इतिहास कभी लिख नहीं सकती, तो इतिहास लिखा है आपने, उस इतिहास को याद रखिएगा। 2 अप्रैल जैसे हम लोग आज तक बाबा साहब को, साहब काशीराम को, अपने महापुरुषों को नहीं भूले, ज्योतिबा फुले को नहीं भूले, पैरे साहब को नहीं भूले, बिरसा मुंडा को नहीं भूले, तो हमें 2 अप्रैल के शहीदों को भी नहीं भूलना है। उन अगर आप नजदीक है उन परिवार को, उन परिवारों के पास जाइए, उनसे मिलिए, उनको नमन कीजिए, उनको बलिदान के उस वो बलिदान जो हमारे साथियों दिया उनके लिए उनको उनको सम्मानित कीजिए, गौरवान्वित कीजिए कि हमने तय कर लिया है कि अब बहुजन समाज कितने भी कष्ट सहलेगा लेकिन अपने अधिकारों को कटने छटने बर्बाद होने नहीं देगा, इस देश के संविधान को जो हमारा धर्म ग्रंथ, इसके इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी रक्षा के लिए बलिदान देना पड़ा तो भीम आर्मी देगी, लेकिन बाबा साहब की दोबारा हत्या नहीं होने दूंगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि जब तक ये संविधान जिंदा है, जब तक भारत का संविधान जिंदा है, तो मुझे मेरे बच्चों मराओ मत समझना, मैं संविधान के रूप में आपके बीच जिंदा हूं, तो मैं बाबा साहब को जिंदा रखना चाहता हूं। भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी प्रभारी, सब जिला अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, सब मंडल प्रभारी, जो भी भीम आर्मी में काम करता है या बहुजन समाज में जिसके मन में पीड़ा हो, बहुजन समाज के लिए जिसके मन में पीड़ा हो, अपने भाइयों के लिए जिसके मन में तकलीफ हो कि उनके भाइयों ने बलिदान दिया है, तो राजनीति बहुत हो रही है ना, उस दिन
दो अप्रैल को ना झंडा था ना डंडा था, सिर्फ एक ही आग थी। युवाओं में जोश था, जनून था कि हमें अपने अधिकार चाहिए, और उन्होंने साबित किया, बलिदान दिया। और ऐतिहासिक दिन था, पूरा भारत बंद करके पूरी दुनिया को दिखाया कि बहुजन समाज जाग रहा है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। बहुजन समाज जाग रहा है और पूर्ण स्वराज मांग रहा है। तो मैं कल देखना चाहूंगा कि पूरे देश से परसों रात में 2 अप्रैल को, ये कल ये पूरी वीडियो शेयर होनी चाहिए, और परसों रात में कैंडल मार्च हो, जगह जगह जहां प्रोग्राम वहां सम्मिलित हो, अपनी ताकत का एहसास कराइए। और 5 अप्रैल को मैं मध्य प्रदेश आऊंगा भिंड में, और 14 अप्रैल को बाबा साहब की जन्मभूमि मऊ में मध्य प्रदेश पहुंचूंगा। तो मैं अपने युवा साथियों से कह देना चाहता हूं, कमर कस लीजिए, अब समय आ गया, हमें भारत के संविधान की सुरक्षा करनी पड़ेगी, अपने अधिकारों की सुरक्षा करनी पड़ेगी, और संघर्ष करना पड़ेगा। और बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। अगर आपको लगता हो कि आपकी लड़ाई कोई और आके लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा, आपको खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी और संघर्ष करना पड़ेगा, और जवाब देना पड़ेगा उन ताकतों को जो देश में संविधान को खत्म करना चाहती है, जो देश में हमारी एकता खंडित करना चाहती है, जो देश को खत्म करना चाहती है। हम प्रथम अंत भारतीय, देश हमारा, हम इसके लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और देश को प्रभुत भारत बनाने के लिए, मजबूत भारत बनाने के लिए संकल्पित रहेंगे। और यह भी याद रखना कि बाबा साहब और साहब काशीराम का सपना पूरा किए बिना ना चंद्रशेखर मरेगा, ना भीम आर्मी कहीं जाएगी। अगर चंद्रशेखर जैसे 1,000 लोग, 1,00,000 लोग युवा जो तैयार हो चुके हैं भीम मिशन के लिए, बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए अगर बलिदान भी देते हैं, तो बलिदान देके संघर्ष करेंगे और बाबा साहब और साहब काशीराम का सपना पूरा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। और मैं ये भी बता दूं, ये जो आजादी की लड़ाई, तीसरी आजादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हम रहे ना रहे, कल इस लड़ाई में जब कामयाबी मिलेगी, बहुजन समाज शासक बनेगा, क्या इस दिन को देखने के लिए हम रहे ना रहे, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि जब ईमानदार लोग, जब संघर्षशील लोग, जब बाबा साहब साहब काशीराम के बेटे संविधान बचाने की लड़ाई, मान सम्मान अधिकार की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे, तो गद्दारों की भी फिर पहचान होगी कौन लोग उनका जो है विरोध कर रहे थे। फिर आपसे मुलाकात होगी। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय बहुजन समाज, जय संविधान। और मेरे रहबर साहब काशीराम को जो है मेरा कोटि कोटि नमन, बाबा साहब को मेरा नमन, सभी बहुजन।